भाई गुस्सा कर जाता है। नानी आपने इसकी हेयर कट देखी है? नहीं भाई। ओ भाई साहब हनी सिंह आ गए। अरे हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत होंगे। अच्छा, जितने भी नए लोग फैमिली में, जिनको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रूटीन भी हमारी मुर्गियों के साथ है। मुर्गी लोग पानी हाँ पानी पी रहे हैं भाई, जबान कभी कभी अटक जाते हैं। तो खैर ये जो ना पानी पी रहे हैं, फिर इनको दाने डालते हैं और दाने भाई जितने खाते उतने ही डालता हूँ। लोग बोलते हैं कि अब थोड़े से डाल दो। थोड़े से कहाँ डालता हूँ भाई, इतने डालता हूँ कि अंदर भी भरे पड़े होते हैं, अंदर बाहर भी भरे पड़े होते हैं। तो जितना वो खा सकते हैं उतना ही डालूंगा। अभी क्या कर सकता हूँ, या तो फिर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे बस दाने फैला देता हूँ कि भाई खाओ ना खाओ, लोगों को दिखाने के लिए ना हमने ज़्यादा डालने हैं ये चीज़। मुर्गी प्लीज़ अंडा दे दे। सो गाइस सीन ये है कि आज मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मुझे लेके चलो पिजन्स के पास और मैंने डालना इनको दाना। लेकिन सीन पता क्या है, आजकल जो ना यहाँ पर वो बैठ नहीं रहे जो यहाँ पर अंकल बैठते थे पहले, दाने वाले अंकल जो बेचते थे फिर हम इनको डालते थे, तो आज तो वो थे नहीं और हम लाए भी नहीं साथ में। लेकिन गाइस मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है कि देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। आज मैंने घर से इसको बोला मुझे ना चावल उठा कर दो, मैंने डालना है मुर्गियों को। और जब मैं छत पर चढ़ गया तो मुझे याद आया कि अभी मैं चावल नहीं उठा के लाया और इनको मैंने बोला फिर, तो मैंने सोचा कि रात को जाऊँगा शाम को तो फिर उनको डाल दूँगा। खैर अभी उनको डालते ये इनके नसीब के थे। या भाई बाइक की एक जेब में जाके खोलो, उसके अंदर चावल पड़े होंगे। तो भी वो चावल जो ना इनके हिस्से के थे, वो उनके हिस्से के ही थे। तो इसलिए बोलते हैं हर बंदे को उसका नसीब मिलके रहते हैं। आप लोग जितना भी जोर लगाओ जो करो जैसा करो, मिलता उसी को जिसके नसीब में होता है। कैसे मीर सही बोल रहा हूँ ना? वो देखो लाई चावल लाई। थोड़े हैं पर चलो अच्छा है, जो भी अच्छा है गुजारा हो जाएगा। चल भाई ये अभी इनको खिला दे। मैं तो बोलता हूँ इस इधर मिट्टी पर नहीं डालना, इसी शापर को यहीं पर रख दो खोल के। हाँ एक ही जगह पर रख दो, देखना सारे आ जाएंगे। इसके अंदर क्या फ्राइज भी डाले हुए तुम लोगों ने? तो चिप्स वगैरह भी डाली हुए भाई। चलो भैया अभी देखना सारे शिकार आ जाएंगे। हमजा नहीं करो, नहीं करो, इधर आ जाओ। अभी देखना भाई ये खाएंगे सारे। अबे भाई पिजन तो नहीं है, खैर कवे खा रहे। चले भाई कवे खाएं या पिजन खाएं, बात तो एक है, परिंदों को डालना था। अच्छा परिंदे कवे भाई फ्राइज खाते, चावल नहीं खाते ये। हाँ मन्ना देख रहे हो? मन्ना। अबे भाई अभी डीडी भाई बाल कटा के आए और मैं भी आपको दिखाता हूँ। मीर तो डर गया है। खैर इधर ओ भाई साहब हनी सिंह आ गए। अरे भाई इधर आ, ओ भाई साहब इधर आ, इधर 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 पीछे घूम 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 घूम। ओ मीर को देखो, मीर डर गया। अबे इधर आ हनी सिंह, क्या हुआ? ये क्या है? क्या कहीं पे बाल है कहीं जगह पे? स्टाइल है बेटा, स्टाइल नहीं है। एक मिनट रुक, खराब कर दिया, रुक जा इधर दिखा दे मुझे लोगों को। ये स्टाइल है, ये मैंने कटिंग करवाई यहाँ पे पागल तुम्हें। अम्मा नमूना बन के आ गया दीदी। इधर वो दूसरी साइड दिखा। सब अभी टाइम है रात का, मतलब मगरिब हो गई है, मगरिब से मतलब इवनिंग खत्म, जैसे हल्का सा अंधेरा था वो वाला सीन हो चुका है। और अभी मैं थोड़ा मुर्गी के पास हूँ, इसको दाना पानी सब कुछ डाला है। दो पान रखता हूँ, एक इधर रात के टाइम जब जा देता हूँ उसके अंदर दाने अलग से डाल के रख देता हूँ। तो ये खाते पीते रहेंगे। और आज ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये देख रहे हैं आप, तो सारा बारिश का सीन हो रहा है गाइस। ऊपर भी देखें, हालांकि बातें इतनी खास नहीं है लेकिन फिर भी बारिश तो हो रही है ना गाइस, जो बारिश हो रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ सदर से जाके भाई, थोड़ा काम है, डीडी भाई को भी साथ में लेके जा रहा हूँ। तो काम करके आते हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमने। फिलहाल अल्लाह करे हमारा काम हो जाए। तो भाई साहब डीडी भाई मुझे लेकर आया है मर्ची 360 पर, जो कि खड्डा मार्केट में है। और इसने मुझे बोला कि भाई यहाँ के राइस चेक करो, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो देखते हैं भाई कैसे हैं, क्या सीन है। और अभी माहौल बना हुआ फुल, खड्डा मार्केट में हम लोग बैठे हुए हैं।
देखते हैं डीडी भाई की चॉइस कैसी है। आप उसके देखो देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खाओगे उसके बाद। मुझे भी ऐसा जिस दिन आया था ना उस दिन मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैंने बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की। चलें देखते हैं भैया, ट्राई करते हैं फिर बताते हैं आपको। तो यार मैं गया था ये वाला पाइप लेने, अभी इसको मैं फिक्स करूँगा इस एसी के ऊपर, फिर इसको मैं विंडो से बाहर निकालूंगा। मीर क्या हुआ, हमजा कहाँ है? हमजा भाई हमजा कहाँ है? तो भी अभी हम लोग जा रहे हैं सारे लोग घर, और जा इसलिए रहे हैं सारी फैमिली जा रहे थे, एक तो उसके घर का जो दूध था वो भी लेना है, चार पाँच छः लेने हैं, और दूसरा उसने कोई कैमरा लिया हुआ तो मुझे सुबह से बुला दी थी कि भाई सेटिंग करके तो सेटिंग करके, तो मैंने बोला भाई जब आऊँगा तो अभी चल रहे हैं, डीडी भाई को लेके चल रहा हूँ साथ में, और डीडी भाई को मैं आपको अच्छे दिखा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमदा ने पूरा दिन सलाम किया ही नहीं मेरी वीडियो में, हमने सलाम किया। और मीरू का है, मीरू नहीं मीर का है ऊपर। मीर क्या कर रहे हो? मीर मीर भाई सफाई कर रहे इधर आके, वाह भाई इधर मीर आके झाड़। दुआ ये क्या कर दे तुमने, लाइट बंद कर दी मुझे लगता है। सो गाइस हम लोग यहाँ पर आए थे और चाय वाय पी, और अभी हमारे जाने का वेला आ चुका है, तो अभी हम चलते हैं नानी से मिले, सितारा से मिले, और डीडी भाई से तो आपने सुबह मिलेंगे, और एक बार फिर से भी दिखा देता हूँ ना। अच्छा गुस्सा करके भाई गुस्सा कर देता है। नानी आपने इसकी हेयर कट देखी है? नहीं वाली किसकी याद दिलाती है? वो हमारे पास पर छोटा सा डंकी हुआ करता, याद है गजनी वाला? हाँ गजनी वाला। भाई ये आपने वैसे सोचा था, क्या सोचा था? इसको लगा मैं घर जाऊंगा सब मुझसे डरेंगे ये वो, तो फिर बात गर्मी की वजह से क्या क्या दिखा यार, अभी दिखा नहीं रहा नहीं नहीं करा यार। चलो ठीक है, चलिए जी। तो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के दिन हमारे पास यही थे जो थोड़ी बहुत थी, और कुछ ज़्यादा खास था नहीं। बाकी भाई आप एक बात आपसे शेयर करनी थी, जो कि इंशाल्लाह अगर के पूरी हुई तो भाई हम लोग सोच रहे हैं शिफ्ट होने का इस्लामाबाद। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी बीवी है ना भाई, जो ना जब से हम लोग कराची में रहे तो इनको सांस और इसकी जो ना वो मतलब कराची में जब जाते हैं इनको सांस की प्रॉब्लम रहती है, और छोटे मीर को भी रहती है। तो हम लोग जब जब पंजाब गए, बाकी कुछ हो ना हो लेकिन जो है उस साइड पे इनको सांस वास ये प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होती। पहले वहाँ पे क्या सीन है, शायद वहाँ पे खुले घर होते हैं, शायद ये हो गए खुले घर, तो फिर यहाँ पे भी इनको बलिस्तान लोगों घर पर तो वहाँ पर वही प्रॉब्लम रह जाती है। तो शायद वाली बात है हम लोग वहाँ पर जाएँ, और हम लोग अपने गाँव के साइड पर नहीं, वो इस्लामाबाद एक तो वो प्यारी जगह भी है, इस्लामाबाद मतलब एक तो प्यारी जगह भी है, और दूसरा जो सीन है भाई वो ऐसा है कि वहाँ पे हमें जो ना अमीर हमजा इन बच्चों सबकी जो ना पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जो स्कूल यहाँ पर है सेम वही स्कूल वहाँ पर है, तो ना हमें मतलब उनकी ब्रांच वहाँ पर मतलब ब्रांच वहाँ पर है तो वहाँ पर ट्रांसफर ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो हमें वहाँ पर मतलब बच्चों की पढ़ाई का भी मसला नहीं है, और थोड़ा अलग भी हो जाएंगे, और वहाँ से जो ना हमें घूमने फिरने की जो जगह है ना वो बहुत करीब पड़ जाएगा। तो बस यही सीन था, बाकी जो भी है इंशाल्लाह अच्छा होगा, तो देखते हैं क्या होता है। पहले हम लोग जाएंगे डीडी भाई में, अगर हमें वो जगह अच्छी लगी बेहतर लगी घर बार कोई अच्छे मिला तो फिर की बात है, फिलहाल तो हम लोग यहीं पर हैं। तो बस अभी हम कुछ दिन बाद यहाँ से निकलेंगे, तो दुआ करें जो भी हो अच्छा हो, और आप लोग अपनी राय भी दीजिएगा कि आपको क्या सही लगता है, क्योंकि ये तो हमें सही लगता है, आपको क्या सही लगता है, तो आपको जो सही लगता है आप वो भी बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।